चलो आज शुरू करेंगे एक्सा 11.2। इसमें पैराबोला पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। और एक चीज बता दूं, एक वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उसमें मैंने एक एक चीज बताई है कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है जो सारे कॉनिक सेक्शन को एक ही बार में रिप्रेजेंट करती है। मैं डिस्क्रिप्शन होता ना, हाँ, उस बॉक्स में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब सुनो, पैराबोला क्या होता है, ठीक है सर। पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो इक्वेशंस होती हैं उनका प्रूफ करेंगे यहाँ पे, फिर इंट्रो पार्ट जो भी एनसीईआरटी में है। तो कॉनिक सेक्शन क्या होता है, उससे पहले मैंने उस वीडियो में बताया, हल्का फुल्का बता दूं कॉनिक सेक्शन क्या होता है। कॉनिक सेक्शन ये डेफिनेशन है उसकी, कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो आप, ठीक है, कोई सा भी एक, मैंने फिक्स पॉइंट ही ले लिया, चलिए, और कोई भी एक लाइन, ये फिक्स लाइन है, ये यहां से मूव नहीं होगी और ये पॉइंट यहां से मूव नहीं होगा, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में बोला गया है, फिर आप कहीं पर भी आपने एक पॉइंट लिया, मान लो ये, इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस निकाला और इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस मेजर करके डिवाइड किया, सब उसका डिवाइड करके आंसर आया, मान लो 1/10, ठीक है। फिर आपने एक और पॉइंट लिया, मान लो यहां पर, फिर ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को आपने किया डिवाइड किया, फिर मान लो आंसर आ रहा 2/20, मान लीजिए, मतलब 1/10 ही आ रहा है। तो ऐसे ही आप जितने भी पॉइंट लेंगे और उन सब का रेशियो सेम आएगा, उन सब का रेशियो अगर 1/10 आ रहा है, तो जब उन पॉइंट को मिला के जो भी एक चीज मिलेगी वो समझ लेना कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट होगी। अब वो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है बेटा, से लगा दो है। ऐसे ही तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं इस फिक्स पॉइंट को, फोकस। और जो ये फिक्स लाइन होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो रेशियो आता है इस रेशियो को ई से इंडिकेट करते हैं, ये होता है इसेंट्रिसिटी, क्या होता है ये। और याद रखेंगे, अगर ई की वैल्यू वन होती है तो ही पैराबोला बनता है, ई की वैल्यू वन होती है तो ही पैराबोला, ये पहली मैं बातें बता देता हूं। पैराबोला में सेंटर नहीं होता, ये ध्यान रख लेना, पैराबोला में सेंटर नहीं होता, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये भी तो रीजन बनता है सर। पहले तो ये जान लो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मान लो ये सर्कल है, मैंने कहा ये सेंटर है, आप कहेंगे सर ये तो सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है, सेंटर की डेफिनेशन ये होती है, हम लोग ने केवल हल्का हल्का ऊपर से पढ़ा इसीलिए कंफ्यूजन होती है। सेंटर ये बोलता है कि अगर इस पॉइंट से जितनी भी कॉर्ड जाएंगी, अगर ये हर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तभी ये सेंटर है, अदरवाइज ये सेंटर नहीं है। जैसे ये सेंटर है, मैंने कहा ये कॉर्ड है, तो क्या इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करता, ये डायमीटर हो गया, ये तो रेडियस, ये जितनी भी कॉर्ड इस पॉइंट से जाएंगी अगर ये सभी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो ही इस पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। जैसे मैंने कहा ये सर्कल है, ये कॉर्ड जा रही है, ये पॉइंट ने इस कॉर्ड को डिवाइड कर दिया, तो क्या ये सेंटर हो गया, नहीं, एक कॉर्ड ये भी तो जा रही है, क्या इसने इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट किया है, नहीं किया है। तो याद रख लो पैराबोला में कोई भी सेंटर नहीं होता, इलिप्स में होता है, सेंटर में होता है, क्लियर, लेकिन सेंटर में फोकस नहीं होता, फोकस को ही सेंटर कहते हैं। सेंटर में सर्कल में डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये सारी चीजें मैंने जो वीडियो आज अपलोड किया उसे देखना, मैंने बॉक्स में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग भी देखना, बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा उसका यूज है, ठीक है। अब चलिए आते हैं नंबर वाली बात पे, मुझे बोल दो जरा हैंड किसके पास था, नंबर वाली बात पे हम लोग आते हैं। पैराबोला क्या होता है, क्या उसकी इक्वेशंस होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। चलिए, अच्छा पैराबोला क्या कहता है, पैराबोला का मीनिंग बता दें जरा क्या होता है पहले तो। पैराबोला, पैरा मींस होता है फॉर और बोला मींस होता है थ्रोइंग। अगर आपने किसी बॉल को थ्रो किया तो उसका जो पाथ होता है वो हमेशा पैराबोला बनता है, ठीक है। आपने अगर यहां से खड़े होकर बॉल थ्रो की तो बॉल इस तरीके से आएगी, ये भी एक पैराबोला है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये यहां से निकल के आए, और पैराबोला और हाइपरबोला जो नाम थे ये किस मैथमेटिशियन ने दिए, एप्लोइनस ने दिए, ठीक है। इन्हीं ने ही माना था कि जो सर्कल है वो कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, वरना इससे पहले लोग कॉनिक सेक्शन में सर्कल को नहीं मानते थे। क्यों, सर्कल में फोकस होता ही नहीं है, सर्कल में डायरेक्ट्रिक्स होती नहीं है, इसलिए नहीं मानते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं उसको मानो, क्योंकि इन्होंने कुछ कंडीशन बताई थी। चलो
वैसे कहीं नहीं जा रहे यार। पैराबोला की चार कंडीशन होती हैं, ठीक है जल्दी से मैं बताऊं चारों क्या हैं। एनसीईआरटी में जो पैराबोला बने हैं इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से, और वो हमेशा ओरिजिन से होते हुए जाएंगे, हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है वो कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से गिवन होगा, इसका फोकस होगा, क्योंकि इसमें फोकस होता है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा जीरो, ठीक है। अच्छा जी, और जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस इस तरफ वो लाइन होती है, तो ये डिस्टेंस ए है ना, तो इधर भी डिस्टेंस कितना होगा, ए ही होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो हो गए, यस और नो। और भैया इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, यस और नो, पक्की बात है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट माइनस है, इस पूरी लाइन पर हमेशा एक्स माइनस ए ही रहेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, क्लियर है। और कंडीशन क्या है, ए जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, एनसीईआरटी में इतना है केवल। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आपको फोकस जो है, जो फोकस है वो हमेशा एक्सिस पर ही मिलेगा, किस पर मिलेगा, एक्सिस। अब एक्सिस क्या होती है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग होते थे, ये एक्सिस क्या होती है, एक्सिस उसको बोला जाता है जो फोकस से होती हुई जाती है और डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको कहते हैं इस कॉनिक सेक्शन में एक्सिस, चमका। और इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, पक्की बात है। ये हमारे पैराबोला की एक कंडीशन है, चार कंडीशन है, मैं इसका ही प्रूफ बता दूंगा ऐसे ही चारों, फिर मैं डायरेक्ट लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, पैराबोला बोलता गया, पैराबोला में ई की वैल्यू वन होती है, मतलब सर क्या बता रहे हो आप, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आपने इस पैराबोला पे कितने भी पॉइंट लिए, सपोज एक पॉइंट आपने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट आपने यहां पर ले लिया, एक यहां पर ले लिया, तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी कि इसका डिस्टेंस मेजर किया, और भैया यहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, इसका डिस्टेंस मेजर किया, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, ये किया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, तो इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल आता है, ऐसे ही तो था। तो कहने का मतलब इनके नामकरण करते हैं, अगर ये पी वन है, ये पी टू है, मान लो ये पी थ्री है, और ये एम वन है, ये मान लो एम टू है, ये एम थ्री है, और ये हमारा मान ली एन है, क्लियर, इस पॉइंट ले लिए। तो ये क्या होगा इसमें पैराबोला में, पैराबोला में क्या होता है कि जो पी थ्री एन है उसका डिस्टेंस बराबर होगा पी थ्री एम वन के, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इनका बराबर होता है, फिर या फिर ये क्या लो पी टू एन बराबर पी टू एम टू, या फिर पी वन एन इक्वल्स टू पी वन एम थ्री, क्लियर है। ये पैराबोला में कंडीशन होती है कि इनका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर ई वन कैसे आ गया, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं पी थ्री एन और इसका डिवाइड कर लेंगे यहां पे पी थ्री एम वन, क्या ये वन नहीं आ जाएगा, और इस रेशियो को बोलते क्या है ई, तो बोलते हैं रेशियो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। वो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे जो हमने 90 डिग्री डाला है उसका रेशियो तो ई होता है और वो हमेशा इक्वल आता है, तो इसका मतलब वन आएगा। तो याद रखो भैया कंडीशन कि इसेंट्रिसिटी जो होती है पैराबोला में वो क्या होती है, वन होती है। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बता रहा हूं कि भैया वाई स्क्वायर फोर ए एक्स कैसे आया, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ए कॉमा जीरो है, ऐसे हमने इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट एट रैंडम ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, पक्की बात है। तो पढ़े लिखे आदमी हो, एम थ्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ये होंगे, अगर मैं लिखूं तो माइनस ए कॉमा वाई, पढ़े लिखे हो, क्यों, इस पूरे लाइन पर एक्स हमेशा माइनस ए रहेगा, बात समझा रही है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है वाई, क्योंकि ये भी वाई है, देखो ये भी वाई है तो ये भी वाई होगा, बात समझ आई ना, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, हमने वाई लिया, अरे भैया क्लियर है। आप कहेंगे सर कैसे, ये पॉइंट एक्स एक्स कॉमा वाई है तो ये डिस्टेंस वाई नहीं होगा, ये भी तो भाई होगा फिर। चलो अच्छा, अब हमने जो पैराबोला की कंडीशन पढ़ी है वो ये पढ़ी, पी वन एन हमेशा बराबर होता है पी वन एम थ्री के, क्लियर है। तो जब ये बराबर होता है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। चलिए डिस्टेंस लगाते हैं यहां से, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का
होल स्क्वायर, इससे इसका डिस्टेंस निकालो, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, चमका, चलो स्क्वायर ओपन करो, ये सब हटा दो इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाई स्क्वायर, यहाँ ये तो जीरो ही हो गया, इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, एक्स माइनस का टू, अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये तो हमारा कैंसिल हो गया, अब ये माइनस का टू एक्स जाएगा उधर, क्या हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स आ गया, हो गई पैराबोला की इक्वेशन प्रूफ हमारी, बात समझ आ रही है, पक्की बात है ना, ये हमारे हमने इस तरीके से भैया, ये कंडीशन केवल पैराबोला की याद रख लो, कि अगर पैराबोला का जो कर्व है उस पर कहीं पर भी आपने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस मेजर करो, उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मेजर करो और डिवाइड कर दो, तो आंसर हमेशा वन आएगा, ये कंडीशन किसकी है, पैराबोला की, बात समझ आ रही है, हमने प्रूफ कर दिया, और कह रहे हैं ए की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी, अरे भाई सही बात है, एक बात बताओ, अगर ए की वैल्यू ये यहां अगर जीरो नहीं है, मतलब यहां पर है, अगर ए की वैल्यू आपने जीरो कर दी तो पैराबोला बनेगा कैसे, सीधा सीधा बन जाएगा, एक तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी वो, तो बात समझ आ रही है, तो कंडीशन है कि ए की वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब एक नया नाम निकल गया है लैटस रेक्टम, ये सारे मैंने उस वीडियो में बता रखे, एक 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 चीज बहुत ही ज्यादा डीप में जाके, लैटस रेक्टम क्या होता है, तो देखो लैटस रेक्टम से पहले एक नई चीज और सीखेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग सीखेंगे, एक होता है डबल ऑर्डिनेट, क्या होता है वो, क्या होता है, कोई सी भी कॉर्ड पैराबोला के अंदर कोई सी भी कॉर्ड जो एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, मान लो ये इसका फोकस है ए कॉमा जीरो, ये हो गई एक डबल ऑर्डिनेट अगर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये हो गई डबल ऑर्डिनेट अगर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये हो गई भैया डबल ऑर्डिनेट इसने 90 डिग्री का, ये सब क्या है डबल ऑर्डिनेट। अब ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होती हुई जा रही, किससे जा रही है, उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, अलग नाम दे दिया गया इसका, क्या दे दिया गया अलग नाम। अब आप कहेंगे सर क्यों भैया, सर्कल में भी तो ऐसा ही होता था, ये सेंटर है, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, कॉर्ड तो ये भी है लेकिन उसको अलग नाम दे दिया डायमंड, ये सब तो यूनिक है, ठीक है, ऐसे ही ये सब डबल ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट, लेकिन एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होती हुई गई है भैया, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया लैटस रेक्टम, चमका। और लैटस रेक्टम जो होता है पैराबोला में उसकी डिस्टेंस होती है फोर ए के इक्वल, किसके इक्वल होती है, अब सर कैसे, दिमाग में क्वेश्चन आया ना सर कैसे, तो देखो भैया ऐसे, ये हटाओ सब चीजें पहले, फिर बताते हैं लैटस रेक्टम फोर ए कैसे होती है। अब देखो, चलो यार देखो इधर, ये प्लीज बात नहीं करो यार, ठीक है, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं एक से ही सारा सब कुछ प्रूफ कर दूंगा, फिर चारों इक्वेशन लिख दूंगा एक बार में, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा, मान लो ये रहा भैया ए कॉमा जीरो, ये रहा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इधर एक्स इक्वल टू माइनस ए, इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा, बच्चों के अंदर डाउट ये रहता है कि सर ये इसकी आपने जो ये पॉइंट लिया माइनस ए ही क्यों लिया, क्यों जितना फोकस थी इतना ही दूर होगा, क्योंकि बोला गया है देखो ये क्या है, एक पैराबोला है, कंडीशन पैराबोला की ये होती है कि पैराबोला पे कोई सा भी पॉइंट है उसका ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, सही बात है, अच्छा तो पैराबोला पे ये भी तो पॉइंट है, यस और नो, पैराबोला पे देखा जाए ये भी तो पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए लेते हैं, चमका चमका, ठीक है सर। अब सुनो, एक क्या होता है लैटस रेक्टम, उसकी लेंथ मैंने बताया 4a होती है, तो देख कैसे होती है, लैटस रेक्टम की लेंथ ये होता है लैटस रेक्टम, ये हमारा क्या होता है लैटर, एक बात सुनो ध्यान से, सारे बच्चे सोच समझ के बताएंगे, ये a है, ये b है, ये c है, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ab इक्वल्स टू ac, बिल्कुल लिख सकता हूं, और आप पढ़े लिखे आदमी हो तो क्या मैं ए सी को 2a लिख सकता हूं, ए सी को 2a लिख सकता हूं, क्यों, ये डिस्टेंस कितना है a, ये कितना a, तो ये पूरा कितना हो गया 2a, जब ये पूरा 2a हो गया तो ये भी, क्योंकि ये लाइन एकदम सीधी आ रही है, जब ये 2a है तो ये भी तो 2a होगा, यस और नो, और ये क्या है पैराबोला, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एक्स एक्सिस के इधर है उतना ही एक्स एक्सिस के इधर होगा, अगर ये 2a है तो ये भी तो 2a होगा मेरे भाई, यस और नो, इसलिए लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अच्छा
अब देखो क्या, अब मैं प्रूफ करूंगा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था वो तो मैंने प्रूफ किया था, अब मैं पैराबोला की जो ये इक्वेशन है इसका उल्टा प्रूफ करूंगा, कन्वर्सली प्रूफ करूंगा। मतलब क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा और अब आपको ये प्रूफ करना है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, अब आपको ये प्रूफ करना है उल्टा। अभी जो प्रूफ किया था मैंने इसको गिवन माना था और ये प्रूफ किया था, यस और नो। अब मैं जो गिवन है, अब ये वाला गिवन है और मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है, चमका पक्की बात है। तो अब देखिए, अब मैंने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया पैराबोला पे एक्स कॉमा वाई, पक्की बात है भैया ये चीज हमारी गिवन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एसी डिस्टेंस क्या है, एसी डिस्टेंस, अब सुनो ध्यान से, चलो पहले आप बताओ कि एसी का डिस्टेंस कितना होगा, अब एसी का डिस्टेंस कितना होगा, अब मान लो ये, चलो मैं एक मिनट मैं डायग्राम चेंज कर दूंगा, ऐसे तो आप लोग 2a बोल दोगे, रुको। चलो देखो भाई, अब आपसे मैं पूछूंगी एसी का डिस्टेंस क्या होगा, तो सोच समझ के बताओ एसी का डिस्टेंस क्या होगा जल्दी से। हाँ, टू ए। अब देखो एक बात सुनो, मैंने आपसे पूछा एसी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2x होगा, देखते हैं क्या होगा। अब सुनो, ये अगर मैं यहां से ये जो पॉइंट है अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या ये डिस्टेंस x नहीं होगा और ये डिस्टेंस y होगा मेरे भाई, होगा नहीं होगा? क्लास 9 से यही तो पढ़ते आए मेरे यार, कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा y है तो आपने एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितना होगा, y होगा, और ये डिस्टेंस तो a होता ही है, तो ac क्या x प्लस a नहीं हो गया? अब बोल रहे पहले क्यों नहीं बोला, तो ac हमारे पास कितना है, x प्लस a। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही आपको बात समझ में? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा y है तो ये डिस्टेंस x नहीं हो गया और ये तो a होता ही है, क्योंकि इतना डिस्टेंस a है ये भी a होता है, ये तो हमने पढ़ा है। क्यों होता है? क्योंकि पैराबोला के ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो ac कितना हो गया, x प्लस a, क्योंकि ये x प्लस a है तो ac भी x प्लस a होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अच्छा जी, अब मैं निकालता हूँ ac, अब देखो मैं ac निकालता हूँ, तो ac निकालेंगे क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यस और नो? चलिए मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखो ये गिवन है, तो क्या मैं वाई स्क्वायर की जगह 4ax लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ 4ax, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का, तो क्या ये एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर नहीं हो गया, और स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, कितना आ गया एक्स प्लस ए। ए सी कितना है, ए और ए सी कितना है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ए बी होगा यहाँ पे, और ए बी कितना आ गया, तो क्या ए बी और ए सी बराबर नहीं हो गए? कन्वर्सली प्रूफ नहीं हो गया कि अगर पैराबोला है, इक्वेशन गिवन है, तो उनके ये डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा हमने कन्वर्सली प्रूफ कर लिया। और पैराबोला याद रखो, 11th क्लास में एनसीईआरटी में आपको पैराबोला वो हमेशा जो उसका वर्टेक्स होगा यहां पर होगा और फोकस हमेशा एक्सिस पर ही मिलेगा, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है? फिर अगर ऐसा मिलता है 11th क्लास, खैर आउट ऑफ सिलेबस है, अगर ऐसा मिलता है सर फिर कहते सॉल्व करेंगे, तो सप्लीमेंट्री में बताया गया कि ऐसे में हम ये एक्स और वाई एक्सिस को ना मूव कराते हैं, इसको मूव करा के हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्लियर है? मूव करा देते हैं इसको यहाँ से हटा के इस तरफ लेके आ जाएंगे, क्लियर है? वो भी पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जब मैं कराऊंगा, तो एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें, ठीक है? बट इतना आप पढ़िए फिलहाल, क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि पैराबोला अब कुछ बचा, आप सीधे एग्जांपल करेंगे। बस यार ये बात ध्यान रखो कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, अगर ये इस तरीके से है तो जितना इस तरफ है उतना इस तरफ होगा, क्लियर है? अच्छा एक चीज देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमेशा ओरिजिन से ही होता हुआ जाएगा इस तरीके से, सॉरी ये मतलब इस तरीके से जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की जगह 0 रखोगे वाई भी 0 आएगा, क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 2, तो ये मत सोचना ये भी अभी ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसे में वाई को रखो 0 तो देखो एक्स कितना आएगा, क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये ऐसा भी जा सकता है, लेकिन वो पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको, ठीक है? चलिए अब मैं
पैराबोला की जो चार कंडीशन होती है चारों को लिख देता हूं एक ही बार में मैं, ठीक है, इसे हटाओ बेटा। तो ये चार कंडीशन है पैराबोला की, मैंने चारों ही बना दी। इन चारों में कंडीशन ये रहेगी, याद रखना कि जो ए है वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा और ई हमेशा क्या होता है, वन के इक्वल होता है। और पैराबोला मिलता कैसे है हमको, किसी को पता है, जब बीटा और अल्फा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है, अरे भैया याद करो इस तरीके से था, ये जो एंगल हमारा क्या था, अल्फा था, अगर इसी के हम इस तरीके से कट करते थे तभी तो हमारा पैराबोला मिलता था, मतलब ये लाइन इसके क्या होती थी, पैरेलल। तो अल्फा और बीटा बराबर होने चाहिए, बस ये दो तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है तो इस तरीके से होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस है, याद करने का तरीका। खैर हम लोगों ने तो प्रूफ किया। अब देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। और पक्की बात है अगर पैराबोला पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स तो पीछे ही होगी, तो पक्की बात है माइनस होगी, वो माइनस ही होगा। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स है, अब एक्स किसका, माइनस का, तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा। जब ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस ए होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या, एक्स इक्वल टू ए। ऐसे ही इसका लिखा ही नहीं मैंने, क्या बात है भैया, कहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए बाई। अब देखो वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ, डिस्टेंस तो ए ही रहेगा तो इसके कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा ए होगा, डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगा, नीचे बाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चार कंडीशन अगर कहीं पर ये बोला गया दिमाग में अपने आप लगा लेना कि डाउनवर्ड्स होगा, ये अपवर्ड्स होगा, ये राइटवर्ड्स होगा, ये लेफ्टवर्ड्स होगा, इस तरीके से याद कर सकते। क्लियर है, इतना ही भैया पैराबोला है। अब एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है जल्दी से करते, मजा आएगा करने में, ठीक है, आ जाओ भैया। चलो देखो एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी जो भी है। एग्जांपल फाइव क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है भैया ये, फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्सिस फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, लैटिस रेक्टम फाइंड, सब कुछ फाइंड करना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। अब सुनो ध्यान से, इसका एक्स पॉजिटिव है, पक्की बात है ना, तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, यस और नो, पक्की बात है ना भैया। कंपेयर करो तो फोर ए एक्स किसके बराबर आ गया, एट एक्स के, तो एक्स एक्स सही हो गया, ए कितना आ गया टू, तो पक्की बात है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो ये इस तरफ होगा, और ए कितना है टू, तो मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, टू कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसके एकदम पीछे होगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस टू कॉमा जीरो, और एक्सिस ये रही एक्सिस, एक्सिस यही तो होती है, एक्स एक्सिस हमारी एक्सिस होगी, पक्की बात है, और तो कुछ फाइंड करना नहीं है। लैटिस रेक्टम क्या होती है, फोर ए होती है, सोचो ही मत, एट हो गई, बात करता हूँ एट यूनिट, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। एक्सिस क्या आएगी, एक्सिस हो जाएगी हमारी ये, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर होगा ना ये, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर है तो पक्की बात है वाई स्क्वायर पे तो होगा नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर की डिग्री कितनी, टू है, तो इससे तो भैया कोई स्ट्रेट लाइन आएगी ही नहीं ना, एक्स पर ही तो आएगी, एक्स की डिग्री वन है, होगा मिलेगा ही नहीं आपको, मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कि जिसकी डिग्री बनो तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा पैराबोला चैप्टर टू में पढ़ा था, क्लास टेंथ में, पॉलिनोमियल्स में, देखना जाके। चलिए अच्छा ये देखते हैं एग्जांपल सिक्स, बात नहीं करो यार, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस दिया गया है टू कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस टू। अब सुनो यार, फोकस टू कॉमा जीरो है तो यही तो होगा, यस और नो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ए कितना है टू, तो एट एक्स नहीं हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स हो गया, क्लियर है। तीसरा कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वर्टेसिस जीरो कॉमा जीरो, भैया वर्टेक्स इसको बोलते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, जहां पैराबोला एक्सिस को कट करता है वही वर्टेक्स होता है, ऐसा नहीं वर्टेक्स हमेशा यही मिलेगा, अगर पैराबोला ने यहां कट किया तो ये वर्टेक्स हो गया, क्लियर है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना ही है। तो कह रहे हैं एंड द फोकस 0.2, फोकस कितना है 0.2, मतलब x 0 है y 2 है, तो y पे 2 जाएंगे, मतलब इस तरीके से होगा ये, तो ये कितना हो गया 0.2, ये इस तरफ आएगा तो y कितना हो गया माइनस 2, डायरेक्ट्रिक्स चमका। अच्छा जी, तो इसकी इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होती है, फोर ए वाई, ए कितना है 2, तो 8y हो गया। मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ें, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, हम लोगों ने एक एक चीज़ देखी। एग्जांपल 8 देखते हैं लास्ट,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा पैराबोला जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। सुनो ध्यान से, वाई एक्सिस किस सिमेट्रिक है, मतलब जितना वाई एक्सिस के उधर इतना इधर है, तो क्या पता ये वाला हो, क्या पता ये वाला हो, दो होते हैं, दोनों ही सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं। एंड द पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -3। अब एक बात सुनो यार, एक्स पे जाओ 2 और वाई पे जाओ 3, तो यही तो मिलेगा, तो पक्की बात है इस वाले की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और इस टाइप की क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। चमका, तो ये हो गया। अब लेकिन ए कैसे बताएं, तो एक बात सुनो, पॉइंट कौन से हैं, 2, -3। 2, -3 क्या इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। तो x की जगह 2, 2 जा 4, a की जगह a और y की जगह -3, तो 4 3 12, a कितना आ गया 1/3। क्लियर, हमारे a कितना आ गया 1/3। तो भाई इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर -4 a कितना है 1/3 y। चमका, पक्का a 1, 3 आई, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0, क्लियर है ना? कनक डाउट है ना, डाउट है ना, डाउट नहीं है, मैंने क्या बोला, डाउट है ना, तो आप बोलती नहीं सर, आप बोलती हाँ सर, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें है, पक्की, चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल करता हूँ, एक्सरसाइज करेंगे। कनक ने सुनी नहीं बात।